बात नहीं करवाई? अरे तो ऊपर क्यों चढ़ गया? तूने कल्पना से मेरी बात नहीं करवाई इसलिए मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक, मुझे जरा एक मिनट सोचने का टाइम दे। ये कोई स्टूडेंट है क्या? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के जैसा सुपर सीनियर है। अबे क्या कर रहा है? हाँ, पत्थर तो बहुत मजबूत है रंगा। हाँ, तू ऊपर से सीधा ऐसा कूद कि डायरेक्ट आके इस पत्थर पर तेरा सर टकराए और फट जाए। चल कूद जा। ए, क्या कर रहे हो? अरे ये पहाड़ क्यों रख दिया? अगर वो टेक ऑफ करके यहाँ पर आया और डायरेक्ट यहाँ पर लैंड हो गया। हाँ, टोटल फिनिश। अरे कहाँ गायब हो गया? ओके ओके, हैं यहाँ पर लैंड होने के बजाय दूसरी तरफ कूद गया क्या? अबे चुप बे, हटना यार, क्या कर रहा है? अबे तू मेरा दोस्त है कि तू मेरा दुश्मन है? क्यों बे, क्या किया मैंने? तुझे मेरी हालत पर तरस नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, कितना बेरहम हो गया तू। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ मैंने? यहाँ सबकी सेटिंग करवाता रहता है, मेरे बारे में कभी नहीं सोचता है तू। एक बार मेरी बात करवा दे यार। अरे ये क्या है भाई, समझाओ इसे, बात करवाओ इसकी। भारत देश में इतने सारे लोग हैं, किसी से भी इसकी बात करवा दो। अरे भाई कुछ तो करो। चुप्पे गधे, ये दूसरी बात करने को कह रहा है और तू कुछ गलत चीज समझ रहा है। अरे गधे, खाने की बात हो सकती है, पीने की बात हो सकती है, रहने की बात हो सकती है, हेल्प भी कई तरह की हो सकती है। ये टेंशन में शोले का वीरू बन गया और मरने के लिए टेरेस पे चढ़ गया। अरे तू क्या समझा पगले? ये तो तुम डबल मीनिंग की बात कर रहे हो भाई। तू गंदा इंसान है, डबल मीनिंग की बात करके तू इसे पूरे कॉलेज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अबे कपड़े पहनने की तमीज नहीं और हमको तरीका सिखा रहा है? चल बेटा, आज की तारीख में तेरी सेटिंग करा ही देता हूँ। चल फिर कभी धर्मबाजी मत करना। नहीं भाई, गुरु ब्रह्मा, ये गुरु, शो मी द वे, गुरु विष्णु, ओंटू द गुरु, मम्मा मिया, गुरु देवो महेश्वरा, हाँ कल्पी, ये कौन है पता? सेल्फी रंगा। मैं इसे नहीं जानती। इसे नहीं जानती? हाँ, ये तुझे जानती नहीं और तो बिल्डिंग से कूदना चला था इसके लिए? कल्पी कल्पी, तुम मुझे नहीं जानती क्या? 4 साल से तुम्हारे पीछे पीछे मैं कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ। नहीं एलडी, सच में मैं इस आदमी को नहीं जानती। अबे कुत्ता क्यों बना हुआ था? तुझे सामने से आकर इसके गले में वरमाला डालनी चाहिए और तू इसके पीछे दुम हिला रहा था। अबे आंखें जो होती हैं वो आगे होती हैं, पीछे सही से कैसे पता चलेगा तू इसके पीछे? सही कहा ना कल्पी? राइट एलडी। हाँ, तू इसके पीछे से क्या देखता था? कमीने, गंदे इंसान। लव, लव के बारे में बात करो ना। अबे तू भी लव का मरीज है कमीने। अच्छा कल्पना, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है ना? ये जो गधा है वो तुझे दिल से चाहने लगा। अरे चाहत बात कुछ नहीं है यार, मेरा लव ट्रू है, ट्रू लव। लेन देन की बात कर रहा है, मैं समझ गया, मुझे सिखा मत, समझा? कल्पी, ये तुम्हारे बहुत करीब आना चाहता है, पार्क में बैठकर ये तुम्हारे साथ चोंचे लड़ाना चाहता है। तो पहले पार्क से शुरू करते हैं, फिर थिएटर में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे रूम में जाके ऐसे कंधे पे और कंधे से फिर होंठों तक, और फिर उसके बाद का काम वो कर लेगा। कर है क्या ये? अबे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, कहां से कहां पहुंच गए? मेरा प्यार ट्रू लव है, ट्रू लव। अच्छा ट्रू लव है, यानी तू इससे सच्चा प्यार करता है और इसे छूना भी नहीं चाहता? नहीं नहीं। ओ कल्पी, ये टचिंग किसिंग वाला नहीं है, प्योर लव है। अच्छा, इसके लिए 6 साल तक नयन मटक के करते रहना, यही ट्रू लव है। इसकी नजरों में ट्रू लव का मतलब है लड़की के पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहना। कल तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी तब भी ये तुम्हारे घर के सामने अपना घर बनाने की सोचेगा, तुम्हारे लिए ये आहे भरता रहेगा और ये मानेगा नहीं, बिना घी के ख्याली लड्डू खाता रहे। यार तू समझ नहीं रहा, तू सिर्फ लव की बात कर, बाकी की सेटिंग मैं खुद कर लूंगा। अच्छा तुझे लव के बाद वो सब भी चाहिए, तो तेरी लव की सेटिंग करूं? चल ठीक है। अच्छा कल्पी, सबसे पहले ये लव करना चाहता है, उसके बाद ये लेन देन की बात करेगा, ठीक है? चप्पल से मारूंगी मैं तुझे। अबे अच्छा खासा मेरा प्यार शुरू होने वाला, तुझसे पहले ही तूने खत्म कर दिया। प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो तेरी बात कर रहा हूँ, वो चप्पल से मारेगी बोला तो मैं क्या करूँ? चल मैं कुछ करता हूँ। कल्पी तुम नाराज क्यों हो रही हो? ये प्योर लव करना चाहता है, उसके बाद वो अपना कार्यक्रम करना चाहता है। ए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर वो तेरे प्यार को समझ गए तो मेरे पास आना, बड़ा आया प्यार करने वाला। शक्ल देखी आईने में? हाँ सही कहा इसने। क्या एलडी, तुम भी कैसे घटिया दोस्त बना के रखे हैं तुमने। अरे तुम्हारे प्यार में पड़ के ये बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ गया था। अरे ट्रू लव करता है ना, तुम जाओ, मैं समझा। मेरी सेटिंग करने के बजाय सब चौपट कर दिया। जरा सुन, तेरे लिए मैंने सारे हथकंडे आजमाए, अगर वो नहीं मानी तो मैं क्या करूँ? चप्पल से तेरा मुंह तोड़ने वाली थी, तेरे को बचाया मैंने, जो चला गया ना उसे भूल जा। आई बात समझ में? ये प्यार का भूत है ना, सर चढ़ के बोलता है, सर चढ़ के, समझ गया? तू उस कोठारी को जानता है क्या? उसने 500 रुपए खर्च करके आज वायश कर रहा, समझ गया ना?
चल ये पैकेट संभाल, एक और ये दो, इसको हमेशा अपने पास रख और जब भी मौका मिले इसका इस्तेमाल आइटम पे कर। दिमाग एकदम क्लियर रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा, समझा? ये अच्छा है, तुमने कुमार और रमेश के अच्छे से सेटिंग करवा दी और मेरे को किसी आइटम के पास भेज रहे हो। अरे इसी का नाम तो जिंदगी है भाई। अच्छा तू रुक, मैं एक फोन लगाता हूँ, फिर देख तेरा काम होता है कि नहीं। अबे रिंग तो यहीं कहीं बज रही है ये? अरे मैं यहाँ हूँ भाई। वहाँ झाड़ियों में घुस के क्या कर रहा है तू? प्यार कर रहा हूँ भाई। ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ देखा, ये भी प्यार का मरीज था लेकिन इसको मैंने लगा दिया सही काम पे। लेकिन इनकी सेटिंग तो हो गई, लेकिन वो तो ये चप्पल से मार रही थी। बड़ा अजीब आदमी है यार। मेरी बात मान, जो मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। इस हथियार का इस्तेमाल कर और दिमाग को हल्का कर, जा निकाल। यार मेरे लिए ठीक है, पूरी दुनिया के लिए यही ठीक है। चल जा, प्यार का चक्कर छोड़ और आगे बढ़। जल्दी एक दो और दे दे। अबे पूरा मजा एक ही दिन मिलेगा? पूरा मजा लेना है भाई। अबे जा, तेरी तो पर निकला है। ओपन ओपन कहकर तो तुम बहुत ही ओपन हो गए हो यार। अब हम क्या करें, हमें पता है। तुम्हारा स्टेटस चेंज हो गया यार, लेकिन ये रिंगटोन चेंज नहीं हुई। जरा एक मिनट। हेलो संतू, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? बेड के पास जा, तो बताता हूँ। ओए बेड के पास ही हूँ, और कहाँ जाऊँ? अब तू बेड पे तकिए को देख। हाँ उसमें क्या है बे? अब तू राइट वाले तकिए को उठा। अबे ये क्या है बे? उत्साह वर्धन करने के लिए मर्द की जरूरत है यार, बट सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हे एनीथिंग रॉन्ग? नहीं नहीं कुछ नहीं धर्मिका, एक खास दोस्त का फोन था। संतोष, कॉलेज डेज में तो तुम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड थे, तो अब अचानक से क्या हो गया तुम्हें? वो दिन याद है? तुम तीनों उधर जाओ और तुम चारों उधर जाओ, ठीक है? वो पार्क में यही कहीं जॉगिंग कर रहा होगा, उसको घसीटते हुए यहाँ लाना। जाओ जाओ। अभी आती हूँ। ये लड़की भी ना। सर मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लव पर थीसिस लिख रही हूँ। हाँ प्यार सर, प्यार पर थीसिस लिख रही हूँ मैं। आपके हिसाब से प्यार क्या है सर? प्यार ये ले पकड़। धीम तकिटा तुम तकिटा मतलब क्या है सर? इसका तुम्हें नहीं पता है? APS कॉलेज के एलडी गुरु भाई का थीसिस है ये। क्या कहा? लव क्या है ये जानना है? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, तुम मेरे बारे में पक्का पता करके आई हो ना? पक्का पता करके आई हूँ। फुल डिटेल में ना? हाँ सर। तुमने सुना है ना मैं क्या चीज हूँ? कॉलेज में सब आपको लव गुरु कहते हैं सर। अच्छा ये बुक्स को जरा यहाँ रखो। ये बुक सर? हाँ और क्या। अपनी बैग को भी यहाँ रखो। हाँ जरा इजी हो जाए यार। ओके सर। रख दिया, अब बताइए लव क्या है? जरा छाते के अंदर छुपा हमको। छाता? इससे क्या करेंगे सर? हाँ कुछ टेक्निक बताता हूँ, रुको। करंट लगा क्या? मैंने आपसे लव क्या है पूछा। लव छोड़ो, आप तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। लव तो ऐसे ही किया जाता, और कैसे किया जाता लव? नहीं बिल्कुल नहीं, ये लव नहीं है सर। तो क्या है? मैं थीसिस के लिए आपसे हेल्प मांगने के आई। तो थीसिस के लिए हेल्प चाहिए? हाँ। तुम्हें तो डिटेल्स चाहिए तुम्हें लव के बारे में, है ना? अच्छा सुनो एक काम करते हैं, उस क्लासरूम में लेक्चरर टीचर कोई भी नहीं है, एकदम खाली है वो। हम वहाँ चलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और डिटेल में सब कुछ समझाता हूँ।